टीम ग्लोबली स्पोर्ट्स वर्सेस टीम गॉड लाइक, लेट्स सी जीतता कौन है। देखिए बहुत ही शातिर तरीके से ग्लोबल स्पोर्ट्स ने फायदा उठाया, सीधा रशियन कर दिया। मेहम कितनी देर से वहां पे इंतजार कर रही थी, ग्लोबल स्पोर्ट्स बिल्कुल इंतजार नहीं किया, लेकिन नियोन अभी भी वहां पे बचे हुए। जोकर को संभालना पड़ेगा, अगर नियोन ने उनको नॉक कर दिया तो ग्लोबल स्पोर्ट्स भी बैकफुट पर जा सकती है। बट जोनाथन एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अभी के लिए अदा कर रहे हैं, अगर वो किसी को स्पॉट करते हैं फायदा हो सकता है। बट मानिया की पोजीशन रिवील नहीं है, जोनाथन आएंगे, नकुल को नॉक करा जाएगा, मानिया उनके बिल्कुल सामने, लड़ना तो यहां पे पड़ेगा। इट्स 1v2 सिचुएशन फॉर जोनाथन, क्या एक मैजिकल क्लच लेके जा सकते हैं। सवाल ये बनता जरूर है, शॉट लिया फरारी पिक के साथ, एक प्लेयर को नॉक करा, दूसरे को डैमेज किया। जोनाथन इज एक्चुअली रिपिंग थिंग्स आउट हियर, एंड इसलिए हम कहते हैं द मैन द मिथ द मॉन्स्टर गॉड लाइक जोनाथन। बिल्कुल यहाँ पर बेहतरीन उन्होंने वो क्लच करके दिखाए। एज जो है वो आखिरी प्लेयर यहाँ पे बचे, नियो जो है वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लो ऑन एचपी आ चुके। लेट्स सी यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो फाइट है वो एक और रुक ले चुके, लेकिन जोनाथन यहाँ पर आ जाएंगे, उनकी भी एचपी बहुत ही ज्यादा लो है। ओ माय गॉड दैट 1v3 दैट वाज जस्ट ऑसम। लेट्स सी अब यहाँ पर आगे क्या होने वाला है। नियो अपने आप को हील करेंगे, सारी जिम्मेदारी जो है वो एजे के ऊपर आती है। ग्रेनेड जाएगा जरूर से, बट अगेन कनेक्शन जो है वो आएगा नहीं एजे के लिए। क्लोज क्वार्टर्स में एक 1v2 यहाँ पर रहने वाले जोनाथन विद दैट ग्रेनेड, क्या वो कनेक्शन बनाएगा? जी हाँ कनेक्शन बनाएगा, बहुत ही ज्यादा लो ऑन एचपी। एजे मिलेंगे वहां पर, उन्होंने मॉल्टोव करा ताकि थोड़ा टाइम बाय करें अपने आप को हील करने के लिए। एंड लेट्स सी कि यहां पर क्या होने वाला है। एजे 1v2 जो वेपन है इनके पास वो तो बीस्ट है, बट सामने खड़े हैं टीम गॉड लाइक के दो गॉड्स। एंड जी हां जोनाथन जिस फॉर्म में खेल रहे हैं वहां पर उनको हराना इतना आसान होगा नहीं, बट अभी भी वो कर सकते हैं आने की कोशिश। जोनाथन 1v4 ब्रिलियंट।